नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है अभी फिलहाल, आप सभी जानते हैं, और फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। आप में से अभी तक किसी ने नहीं भरे तो भर दीजिएगा टाइम पर, क्योंकि टाइम पर जो काम किया जाता है वो सबसे बेहतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांस्टेबल बुक जो है अपनी, ये लक्ष्य की बुक है। काफ़ी कमेंट मुझे मिले थे, काफ़ी मैसेज भी मिले आपकी तरफ से कि सर कांस्टेबल बुक बताइए जो कि हम खरीदें, और अच्छा रिव्यू बताइए जो लक्ष्य की बुक का। तो दोस्तों, ये लक्ष्य की बुक है, इस बार इसमें क्या क्या संशोधन है और इसमें मतलब किस प्रकार से बदलाव किए गए और इसके साथ क्या क्या है, क्या मतलब इसकी आपकी रेट लगने वाली, क्या भाषा है इस बार, जो जो बदलाव है अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ऊपर से जैसे आप अगर खरीदे ना, मैं तो कहूँगा कि आप इसका होलोग्राम देख के खरीदे। देखिए इसके अंदर जो 3D में आपको आप देख ही पा रहे होंगे, तो इसमें ओरिजिनल जो है ये बुक आपकी ओरिजिनल है। कभी कभी क्या होता है मार्केट में थोड़ी लोकल कोई बुक निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, तो ये फ्रंट पेज अपन अगर उलटते हैं तो पूर्णतः संशोधित जो संस्करण आपको मिलेगा। लेखक की बात करें, लेखक आपको पता है महावीर जी जैन, कांति जैन जी और सेजल जी और अंशुल जी, ठीक है। बाकी मनु प्रकाशन जो है इनका, आप अगर कोई भी आपको इसमें कोई डाउट लगे तो आप इनसे संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं बिना कोई, ठीक है। और इसमें जैसे और भी जो इसमें जो भी कोई विवाद है या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो इनका जो शिकायत का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पे दे रखा है, पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं होल्ड रख के। और वैसे आपने इतनी जरूरत रहेगी नहीं क्योंकि लक्ष्य बुक है, तो इसको देखिए लोग आंख मूंद कर भी इसको खरीदते हैं, लेकिन अपन पूरा एकदम से पहले रिव्यू देखेंगे उसके बाद ही खरीदेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर इसका जो आपको रिव्यू दे रहा हूँ ना, पहले तो आपको बता दूं कोई प्रमोशन नहीं है ये मैं अपने हिसाब से, और काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर लक्ष्य बुक, चेतक बुक और भी जो बुक आती है उन सभी के बारे में बताइए। तो मैं आपको सबसे पहले लक्ष्य बुक के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। देखिए राजस्थान सामान्य ज्ञान जो दे रखा है दोस्तों, ये पूरा चैप्टर वाइज दे रखा है, अलग अलग चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप टेबल को देखिएगा, यहाँ पर आपको राजस्थान का बजट और आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि 3-4 पेज में, ज़्यादा नहीं है इसमें, अपने कॉन्स्टेबल लेवल में ये खूब है वैसे। बाकी दोस्तों आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, जैसे ये तर्क शक्ति जो रीजनिंग है अपनी, यहाँ पे ये दैनिक विज्ञान भी है, और सामान्य ज्ञान जो अपना इंडिया लेवल का, ठीक है, और बाकी महिला और बाल उत्पीड़न एवं कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको मिलेगा यहाँ से। चलो तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो देर का मैंने आपको बताया 4-5 पेज के अंदर अपने लेवल का जो, दोस्तों वैसे इससे भी कुछ नहीं होगा, आपको एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी आर्थिक समीक्षा से तो ही बेटर होगा, क्योंकि इसमें ओनली 4 पेज दे रखे हैं और कहीं ना कहीं अपने एग्जाम के लिए ये जरूर कम पड़ेंगे। तो आप आर्थिक समीक्षा और एक राजस्थान, मैं आपको सजेस्ट करूँगा मुंबल की बुक, जैसा कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पे। देखिए अभी जो देखिए फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं, इसका जो कवर देख रहे हैं, तो ये हर 6 महीने में या फिर वार्षिक अंक आती है, तो इसमें अलग अलग आती है कभी कभार, ठीक है। तो आप अर्धवार्षिक अंक ले लीजिएगा, वार्षिक अंक शायद आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अर्धवार्षिक अंक आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम में बनते हैं, तो मैं इसको सजेस्ट ज़रूर करूँगा करंट के लिए, ठीक है। चलिए तो अपन उसको एक बार साइड में करते हैं। चलिए तो ये तो आपका हो गया इसमें समसामयिक, ज़्यादा तो नहीं है बट जो है मैंने आपको बता दिया। ये आर्थिक नियोजन ये भी इसमें समसामयिक है, लेकिन अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते क्योंकि 2 पेज में कितना होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ आप वो ज़रूर ले लेना। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों देखिए राजस्थान एक परिचय इसमें आपको दिया होगा, ठीक है, जो भौतिक स्थिति है राजस्थान की वो, ये तो ठीक है सब जगह मिलेगी आपको, लेकिन इस लक्ष्य की बुक की खासियत, सबसे पहली खासियत मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान जो एक दृष्टि में, एक नज़र में आपको जो अगले 5 से लेकर मैं आपको बताऊंगा अगले 15-17 पेज के अंदर, वो मतलब एक बढ़िया कवर कर रखा है। जैसे कि इसमें देखिए VPU निकाय या प्रचलित नाम जो है आधुनिक और जो पुराने जो नाम थे क्षेत्रों के वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे राजस्थान निर्माण के चरण जो है यहाँ पे, प्राचीन नगरों के नाम, प्राचीन उपनाम, मतलब दोस्तों कई बार क्या होता है
यहां से सीधे सीधे पुटअप हो जाता है क्वेश्चन। और ये एक नजर में अगर देखा जाए तो ये आपका एक क्विक रिवीजन आप इसको मान सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जनजातियां वगैरह, प्रतीक है, उपनाम वगैरह, संगीत, घराने, सारा कुछ, मतलब प्रत्येक टॉपिक का जो जो महत्वपूर्ण है वो आपको मिल ही जाएगा। और बड़ी चीज है यहाँ पे, ये यहाँ पे नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है इस बार, पहले एक नजर आता था, अब एक सिंहावलोकन आ रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से आपका करंट भी काफी कुछ कवर होता है। और देखिएगा, यहाँ से कई बार पांच पांच सात सात क्वेश्चन सीधे दो चार पेज के अंदर से पूछे जा सकते हैं। और दूसरी खास बात यह है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करो, देखिए दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब हर चैप्टर के पीछे आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये वो क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? जैसे कि आप देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, माना कि 19 थी। ठीक है, तो 19 रियासतें, ठिकाने कितने थे, तीन ठिकाने थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया व्याख्याता परीक्षा विज्ञान 2011 में। तो ये एक बड़ी खासियत है कि आजकल हर एग्जाम हर किताबों में ऐसा होता है, पर सभी से पहले इस बुक की ये पहल है। लेकिन एडवांस भी दे रखे हैं और प्रश्न भी वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हर चैप्टर के पीछे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन काफी किताबों में ये ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों, ये तो अपना राजस्थान जीके, जो कि ये काफी अच्छे तरीके से कवर करती है बुक, और अपन देखते हैं राजस्थान जीके कहाँ तक है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा समय ज्यादा लगाऊ ना तो चिंता ना कीजिए, लास्ट तक बस बने रहिएगा, मैं अच्छे से रिव्यू आपको करके बता दूँ। तो देखिए, 384 पेज तक आपको ये मिलेगा। ठीक है, कब कहाँ तक? 384 पेज तक आपको ये राजस्थान जी के मिलेगा। अब आता है अपना तर्क शक्ति परीक्षण और जो विज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे देखिए, रीजनिंग है, शॉर्ट में बता दूँ दोस्तों। देखिए, पहले तो आपको टाइप बता रखे कि भाई एग्जाम्पल बता रखे। ठीक है, एक एक चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है, सब मैं तो नहीं बताऊंगा, तो ये उदाहरण आप देख पाएंगे। ठीक है, उदाहरण समझने के बाद आपको अच्छे तरीके से, मतलब मैं आपको बता दूं, ये अभ्यास के लिए भी प्रश्न दिए जाते हैं, आप अच्छे तरीके से अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको अभ्यास भी कर सकते हैं। और अभ्यास करने के बाद अगर आप उत्तरमाला देखना चाहो तो देखिए, ये अलग अलग प्रकार से जो जो टाइप के प्रश्न है उसी हिसाब से उसके उत्तरमाला भी दे रखी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी किताबों से इसमें मुझे एक उचित तरीका लगा इसमें। चलिए, बाकी थोड़ा सा और आगे लेते हैं अपना, और मैथ्स रीजनिंग तो एक ही बात है, रीजनिंग भी इसी प्रकार से देर की। आगे आता है अपना साइंस दोस्तों, और साइंस में मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि आपको साइंस में वही दैनिक साइंस इसमें दे रखी, ज़्यादा कोई कचरा नहीं कर रखा है, मतलब थोड़े से पेज में ये साइंस साइंस जो है कवर कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर तो दैनिक साइंस दे दिया अपने एग्जाम के सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से ही जो ज़्यादा नहीं है, बल्कि अपने लेवल के हिसाब से अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और बाकी जो क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि दे रखे हैं, कम भी नहीं है। साइंस में आपको काफ़ी, मतलब 200-250 प्रश्न लगातार मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस के लिए 200-250 से भी ज़्यादा मिलेंगे, देख लो आप आराम से, है ना। मतलब मेरे ख्याल से ये लगभग है ना 15 पेज है, तो 15 पेज में मेरे ख्याल से लगभग आपको 500 क्वेश्चन ये मिल ही जाएंगे आराम से। तो इतना बाकी किताबों में नहीं होता वैसे। ये भारत का आंतरिक जो है, ये भारत का सामान्य ज्ञान भी है, और सारा कुछ मतलब अच्छे तरीके से दे रखा है। और नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे, अच्छा, विश्व का भूगोल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो विश्व का भूगोल भी मतलब काफी अच्छे तरीके से। अब देखिए दोस्तों, काफी लोग क्या करते हैं, काफी स्टूडेंट्स जो देखते हैं कि पेपर की क्वालिटी कैसी है, तो भैया पेपर की क्वालिटी जितना सिलेबस होता है ना उस अकॉर्डिंग तो पेपर की क्वालिटी ठीक है, क्योंकि इतना सारा अगर सिलेबस है, ठीक है, तो पेपर की क्वालिटी ऐसी ही देंगे, नहीं तो फिर पेपर का भार, मतलब किताब किताब जो है, बुक जो है, इसका भार और भी ज्यादा होगा। पेपर की क्वालिटी अगर देखा जाए तो ठीक है, बिल्कुल खराब भी नहीं है। और ये है अब मोस्ट जो टॉपिक आता है, महिला और बाल उत्पीड़न का, इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपसे बात करूं, ये 62 पेज के अंदर है, ओनली कितने, सॉरी, 62 पेज के अंदर कंप्यूटर और ये दोनों है, बाल विकास, ठीक है, और ये 32 पेज के अंदर है बाल उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न वाला ये चैप्टर। तो काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर आप वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें आपको ये जो है ना 32 पेज ये पूरे मिल जाएंगे।
आपको निःशुल्क मिलेंगे, वैसे कोई शुल्क नहीं लगाएंगे उसमें। कंप्यूटर के भी ये मिल जाएंगे आपको नोट्स दोस्तों, आपको मतलब इसके नोट्स भी जो जो महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारी साइट पर, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इसकी रेट की, तो दोस्तों 755 रुपये यहाँ पर रेट दे रखी है, तो लगभग आपको मेरे ख्याल से ये 40% या फिर 50% के बीच में ये आपको मिल जाएगी, मतलब लगभग 340 350 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी अगर अच्छी बड़ी दुकान पे जाते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि काफ़ी मैंने कारण आपको बता ही दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करिए, देखिए इस पुस्तक के साथ आपको फ्री में मिलेंगे क्या, मॉडल पेपर मिलेंगे। और दोस्तों बुक ये इस प्रकार से आपको, थोड़ा सा ऊपर करो, ये इस प्रकार से आपको दिखेगी बुक, ज़्यादा कोई मतलब चौड़ाई में बड़ी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, छोटी ही है। और ये देखिए, चलिए तो यहाँ पर आपको ये फ्री में मिलेंगे मॉडल पेपर, जैसे कि मैं आपको बात आपसे बात करूँ 2007 से लेकर वर्तमान तक, तो केवल केवल ये अकेली बुक जो है 110, मतलब ये अकेली जो है 55-60 रुपये की है, ये मतलब मॉडल पेपर, मॉडल पेपर तो आपके लिए एक बढ़िया अच्छे तरीके से अलग से दे रखा है, मतलब इसके साथ नहीं करके अलग से दे रखा है, बाकी किताबों में साथ नहीं होता है, तो आपको ये तो मिल ही जाएंगे। अब आप ऑनलाइन मंगवाते हैं दोस्तों तो 40 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आई थिंक लगभग 380 या 400 के बीच में जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब एक बात और रहती है यहाँ पे, सर हमारे पास पुरानी वाली बुक है तो वो पढ़ ले तो बेहतर है क्या? बिल्कुल, अब अगर आपके पास जो पिछले एग्जाम्स की बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया आप इस बुक को जरूर लेके आ जाना, ठीक है। हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे वैसे नोट्स, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स जो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा वही देंगे। और अगर आपके पास है ना पिछले एग्जाम्स के पेपर नहीं है कि भाई मेरे पास ये इस मॉडल पेपर के पीछे मैं इस बुक को खरीदूंगा, तो ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पिछली बुक है तो बेहतर है, और ये वाले तो है ना आपको कहीं भी मिल जाएंगे वैसे मॉडल पेपर तो, या फिर अलग से मॉडल पेपर भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस बुक की, बाकी कोई ये प्रमोशन नहीं था। और बाकी अगर इसमें आपको कुछ लगे कि सर इसके बारे में आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई बड़ी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक वाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हम भी आपके लिए रात को डेली 9 बजे क्लास राजस्थान जीके की फ़िलहाल चला रहे हैं, और 20 तारीख के बाद में कंप्लीट क्लास आपको देंगे भारत सामान्य ज्ञान की, विश्व सामान्य ज्ञान की, और अगर समय रहा तो रीजनिंग की भी आपको क्लास देंगे, कंप्यूटर की भी चलाएंगे। तो आप हमारे साथ कांस्टेबल भर्ती के लिए ज़रूर जुड़ सकते हैं राजस्थान क्लासेस के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को भी विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दे रखा है, और जो अपना चैनल है टेलीग्राम का उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।